लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय परिसर में आज आयुष स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ परामर्शकर्ता जिला चिकित्सालय एवं क्षय रोग चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर आलोक कुमार एवं डॉक्टर जुगल किशोर राणा ने संयुक्त रूप से किया। मेले में आयुष पद्धतियों के माध्यम से डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अशोक, सुग्रीव एवं फार्मासिस्ट संघ अन्य आयुर्वेदिक होम्योपैथिक स्टाफ उपस्थित रहा। मेले में 450 रोगियों का परीक्षण कर निशुल्क दवा वितरित की गई। क्या नाम है दोबारा? यहाँ पर आज दवा लेने आई, किस चीज़ की दवा लेने? कैसी दवा मिल रही है? दवा मिली आपको? हाँ, फर्स्ट टाइम ली थी तो थोड़ा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, कुछ चार्ज भी लग रहा है कि पूर्ण तरह निःशुल्क है? पूर्ण तरह निःशुल्क है। तो सपना से महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पे हैं और आज 15 मार्च को आयुर्वेद और होम्योपैथिक डिपार्टमेंट ने मिल करके एक कैंप का आयोजन किया है, आयुष स्वास्थ्य मेला। ये आयुष मिशन के तहत है और यहाँ पे शिविर लगा है जहाँ पे हम लोग दोनों पद्धति को मिला करके और मरीजों के हर मर्ज के लिए दवा दे रहे हैं, ताकि मरीजों को हम लोगों के बारे में, होम्योपैथी के और आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की संख्या को उपचार दे पाएँ। तो सुबह से हम लोग कम से कम अभी तक 200 मरीज देख चुके हैं और अभी और भी मरीज हम लोग देखेंगे। कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे तक चलेगा ये? ये लगभग 2 बजे तक चलेगा, ये सुबह 10 बजे से चालू हो गया था। जो है आयुष स्वास्थ्य मेला किया गया है, इसमें आयुर्वेदिक के और होम्योपैथिक के द्वारा, पद्धति के द्वारा पेशेंट देखे जा रहे हैं। लगभग कितने पेशेंट देख चुके हैं? हमारे यहाँ जो होम्योपैथिक में लगभग 100 पेशेंट आ चुके हैं अभी तक, और आयुर्वेदिक में लगभग 40 पेशेंट है। 40 प्रकार का स्वास्थ्य मेला, स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। आज जिला अस्पताल प्रांगण में आयुष मेला आयोजित किया गया है, जिसमें जो हमारी आयुष की पद्धतियां हैं, जिसमें कि यूनानी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है और सिद्धा है, इन सब पद्धतियों के तहत जो इलाज हमारे यहाँ हमारे ये सब विशिष्ट डॉक्टर सहभागी लोग करते हैं, तो आज ये विशेष तरह से इसका एक मेले का आयोजन किया गया है और शासन के निर्देशानुसार इसमें ये अपनी निःशुल्क दवा वितरण कर रहे हैं और मरीजों को लाभ मिल रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस समय अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है और ये मैं इनके इस आयोजन के सफलता के लिए इन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस मेले से इस फिरोजाबाद की जनपद की जनमानस को बहुत ही लाभ मिलेगा और कल्याणकारी होगा।